आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल इंजीनियरों में तेज प्रसाद, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों जियोनी ने भारतीय मार्केट में अभी 3 से 4 महीने पहले जियोनी मैक्स किया था लॉन्च। इसके बाद जियोनी अपने के सीरीज के अंतर्गत एक और न्यू लेटेस्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन को आज कर चुकी है लॉन्च, और इसका नाम कंपनी ने जियोनी K30 Pro रखा है। दोस्तों यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इससे पहले कंपनी ने जियोनी K3 Pro को भी लॉन्च कर चुकी है। यह एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है और यह ऑलरेडी चाइना में ब्लैक ब्लू व्हाइट कलर के साथ परचेस करने के लिए उपलब्ध हो चुका है। जो जानकारियां मुझे मिली है उस आधार पर यह स्मार्टफोन बहुत जल्द ही भारतीय मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जियोनी द्वारा लॉन्च जियोनी K30 Pro के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इसकी क्या कीमत हो सकती है भारतीय मार्केट में, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस जियोनी K30 Pro के डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से करते हैं शुरुआत। तो यहां पर आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट 3D कलर फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है, जिसमें आप लोगों को लाइट इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ इसके बैक साइड पर राउंड शेप पर ट्रिपल कैमरे LED फ्लैश की सुविधा, और वहीं पर आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। बैक साइड से स्मार्टफोन देखने मुझे एक प्रीमियम लुक डिजाइन का लगता है। आप लोगों को कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को डॉट नॉट डिजाइन की डिस्प्ले मिल रही है, जिस डिस्प्ले और जो बॉडी का रेशियो है 85% का है। स्मार्टफोन देखने में वाकई मुझे काफी अच्छा और काफी अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इस जियोनी K30 Pro के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 6.53 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले दे रही है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1560 पिक्सल का है। इस डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशियो है 20.5:9 का है, और इस डिस्प्ले की जो PPI डेंसिटी है वो 263 की है। इसके साथ इसके डिस्प्ले पर आप लोगों को 2.5D कवर्ड ग्लास की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। एक एंट्री लेवल सेगमेंट के साथ काफी अच्छी डिस्प्ले इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, पर कंपनी द्वारा जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं उस आधार पर इस स्मार्टफोन के अंदर MediaTek का Helio प्रोसेसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है, Helio सीरीज का, जिसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.0 GHz पर, और यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। मेरे हिसाब से दोस्तों कोई भी प्रोसेसर हो, एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के तौर पर ठीक ठाक ही प्रोसेसर इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप डेली टास्क आसानी से पूरे कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स में रन करने वाला है, और यह स्मार्टफोन 2 स्टोरेज रैम वेरियंट के साथ लॉन्च हुआ। जो पहला है वहां पर आप लोगों को 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, जो दूसरा वहां पर आप लोगों को 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज देखने को मिलने वाली है, जिसके स्टोरेज को आप SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 512GB तक कर पाएंगे। काफी हैवी स्टोरेज और रैम आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाली है, एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के तौर पर। इसके अलावा अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर कंपनी आप लोगों को ट्रिपल कैमरे का सेटअप दे रही है। जो पहला है वो 16MP का मेन सेंसर होगा, जिसके साथ 5MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का माइक्रो सेंसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इन कैमरों पर LED फ्लैश की सुविधा भी आप लोगों को मिल रही है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर कंपनी आप लोगों को सेल्फी और कॉलिंग के लिए 8MP का कैमरा दे रही है। इन कैमरों पर AI, HDR, पैनोरमा, ब्यूटी जैसे ढेर सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों काफी अच्छा कैमरा सेटअप आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 4000mAh की बैटरी देने वाली है, जिसमें आप लोगों को 20W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है। चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को MicroUSB दे रही है। मेरे हिसाब से काफी अच्छा बैटरी बैकअप तो नहीं कह सकते, पर जो चार्जिंग फीचर है वो काफी अच्छा है एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के तौर पर। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके अंदर फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को डुअल 4G वाईफाई, GPS, FM रेडियो, ब्लूटूथ 5.0, फेस अनलॉक जैसे फीचर मिल रहे हैं। फाइनली दोस्तों अगर बात करते हैं इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो लॉन्चिंग डेट के बारे में मुझे जानकारी मिली है वो रूमर्स द्वारा मिली है, और यह स्मार्टफोन जनवरी 2021 में भारतीय मार्केट में लॉन्च हो सकता है, ऐसा रूमर्स द्वारा मुझे जानकारी मिली है। और इसकी कीमत भारतीय मार्केट में 8 से 9 हज़ार रुपये के आसपास हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को विश्वास के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि कंपनी ने अभी तक कोई भी जियोनी के सीरीज का लेटेस्ट 2020 में स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में लॉन्च नहीं किया। हालांकि कंपनी ने जियोनी मैक्स को भारतीय मार्केट में जरूर लॉन्च कर चुकी है, तो इस आधार पर मैं कोई भी आप लोगों को आश्वासन नहीं दे सकता। दोस्तों आप लोगों के मन में क्या है विचार इस जियोनी K30 Pro को लेकर, जो भी हो दिल विचार कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।